स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ईवे बिल की वैधता को बढ़ा दिया है। महामारी के कारण देश में चल रहे लॉकडाउन के चलते माल की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई नहीं हो पा रही है और इन्हीं बाधाओं को देखते हुए सरकार ने ईवे बिल की वैधता एक बार फिर 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि सरकार ने 24 मार्च या उससे पहले जनरेट हुए ईवे बिल्स की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दिया है। ईवे बिल्स की वैधता को तीसरी बार बढ़ाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के नियम 38 के तहत 24 मार्च 2020 या उससे पहले जनरेट हुए ईवे बिल और 20 मार्च 2020 या उसके बाद जिन ईवे बिल को वैधता समाप्त हो गई है उन्हें बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने ऐसे बिल की वैधता को 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया था। सीबीआईसी ने एक अन्य अधिसूचना में रिफंड को लेकर फैसला करने की समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। सीबीआईसी ने कहा कि कोविड 19 के प्रसार को देखते हुए परिषद की सिफारिश पर सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। वही एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा, इससे कर अधिकारियों को सही आदेश पारित करने और करदाताओं को सुनवाई का उचित मौका देने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। इसी बीच सीबीआईसी ने ट्वीट कर कहा कि सबका विश्वास स्कीम के तहत बकाया राशि के भुगतान के लिए भी समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।